हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे कटआउट देख सकते हैं न्यूज़ आउटलेट का, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वह 50,000 की मदद करेगी जिन्होंने कि UPSC प्रीलिम्स या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का क्लियर कर लिया है। इसी खबर को विस्तार रूप से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है खबर में। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने यह अप्रूव कर दिया है, वह 50,000 तक की आर्थिक मदद करेंगे उन छात्रों को जिन्होंने UPSC, CDS, NDA, OTA का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और कम से कम 100 एस्पिरेंट को यह लाभ दिया जाएगा जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है। सरकार की इससे पहले क्या पॉलिसी रहती थी इन एग्ज़ाम्स को लेकर? तो इससे पहले सरकार 50,000 रुपये देती थी, लेकिन जब आप CDS, OTA या NDA के एग्ज़ाम आप क्लियर कर देते हैं एकदम पूरी तरीके से, बस आपकी ज्वाइनिंग बाकी रह जाती, तब सरकार आपको यह पैसा देती थी। लेकिन अब सरकार इसको प्रीलिम्स में ही देने का फैसला कर रही है। यह फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है ताकि जो बच्चा है वो अगर गरीब परिवार से आता है तो वह उस 50,000 रुपये की मदद से अपने वाइवा की प्रिपरेशन या मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और उसका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो काफ़ी अच्छा फैसला लिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगर आपकी इस विषय पर कोई राय है या कोई विचार है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्कीम का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं।